हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गुरुकुल कांगड़ी की आपकी निकली भर्ती के बारे में। इसमें फ्रेंड जो वैकेंसी निकली है आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसकी मैंने पहले एक आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपकी टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी उसके बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में बात करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। आपको दोनों वीडियो की मैंने पूरी जानकारी आपको इस हमारे चैनल पर मिल जाएगी एक एक करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड इसकी नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी हरिद्वार, ठीक है। यहाँ पे ए ग्रेड डीम्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वैकेंसी एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। एप्लीकेशन आर इनवाइट अपॉइंटमेंट टीचिंग आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन के आपके जो फॉर्म के आपको देखने मिल जाएगा, ये नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पे 800 रुपये है जो कि नॉर्मल, 400 रुपये SC ST फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए, ठीक है। और जो कि आपका 1200 है, 600 रुपये जिसमें आपका SC ST फिजिकल डिसेबल टीचिंग स्टाफ के लिए है, ठीक है। 31 जुलाई तक आपको यहाँ पर रजिस्टर बाय अब स्पीड पोस्ट के द्वारा से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा इनका दिया गया एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको भेजना है 31 जुलाई 2021 से पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी फीस डिटेल की, यहाँ पे मैंने आपको जानकारी दे दी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए ये फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थ्रू आपका डिमांड ड्राफ्ट पेपर आप इसके आप बना सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन आप कर सकते हैं पेमेंट। ये रहा इनका अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में आप जाकर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये जानकारी लें, यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बताया है तो बेटर रहेगा। तो फ्रेंड नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी की डिटेल की जानकारी देने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो मिलती रहे। अगर फ्रेंड यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल या वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े लर्निंग टाइम से डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और करियर रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट करिए। फ्रेंड बात करते हैं जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड नोटिफिकेशन है, आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेन कैंपस हरिद्वार फॉर मेल कैंडिडेट सिस्टम मैनेजर 1 डेप्यूटी मैनेजर 2 वैकेंसी है। यहाँ पे 2 साल का आपका एक्सटेंशन है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 1 असिस्टेंट रजिस्ट्रार 3 सेक्टर ऑफिसर आपको सेक्शन ऑफिसर 2 असिस्टेंट सिविल की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, ठीक है। आपको 3 साल का आपका रहेगा एक्सटेंशन। प्राइवेटली सेक्रेटरी 1 कोच 1 हॉकी का मैनेजर गेस्ट हाउस 1 असिस्टेंट की 3 जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल 1 सिक्योरिटी ऑफिसर की 1, ठीक है, 3 साल का एक्सटेंशन है। अपर डिवीजन क्लर्क की 1 लोअर डिवीजन क्लर्क की 5 है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी है मल्टीटास्किंग टाइप की 22 है। कुक की 1 स्टेनोग्राफर की 1 ड्राइवर की 1 लैब अटेंडेंट की 4 है और लाइब्रेरी असिस्टेंट की 1 है। तो 54 वैकेंसी है। यहाँ पे बी कन्या गुरुकुल कैंपस में आपका कोच की एथलीट्स की 1 है। फीमेल कैंडिडेट लोअर डिवीजन क्लर्क की 1 मल्टीटास्किंग टाइप की 1 3 वैकेंसी है। कन्या गुरुकुल कैंपस मल्टीटास्किंग की 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बात करें आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नोटिस कुछ जानकारी दे रखी है ना। तो यहाँ पे द कैंडिडेट शुड है कीप द कॉपी एप्लीकेशन प्रेजेंट अलोंग विद फी सबमिट रिसिप्ट। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू 6 हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फ्रॉम 1 सेट ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर गुरुकुल कांगड़ी, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल हैव टू आपको प्रोड्यूस करने में कैंडिडेट इंटरव्यू के टाइम गुरुकुल कांगड़ी में, ठीक है। यहाँ पे आपको बाकी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में दे रखा है। प्रिस्क्राइब आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका रहेगा जो कि यहाँ पे देख रखे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अप्लाइंग प्रोपोज़ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको तो कैंडिडेट इफ सेलेक्टेड सेल हैव टू फॉलो प्रिंसिपल आर्य समाज एंड गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन, ठीक है। तो फ्रेंड इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको देखिए वैकेंसी देखने मिल जाएगी, ठीक है। नॉन टीचिंग आपके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको देखिए इसका नॉन टीचिंग के लिए आपको PDF देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फिल करके भरकर भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखते हैं एडवर्टाइजमेंट पोस्ट जिसके लिए अप्लाई करना चाहे, एडवर्टाइजमेंट डेट रजिस्ट्रेशन आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर यूज ऑफिस ओनली है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, तो इसको यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको सबमिट करें 6 कॉपी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनी अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉपी, यहाँ पे आपको अपनी फोटो, यहाँ पे आपको देखिए डिटेल ऑफ फीस आपके अमाउंट देना है, नेम बैंक का नाम देना है, इशूंग ब्रांच ड्राफ्ट रिसिप्ट नंबर डेट यहाँ पे आपको देनी है। यहाँ पे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देखिए आपका पर्सनल व्यक्तिगत विवरण है, ठीक है, नेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना है 31/7/2021 के अनुसार, यहाँ पे आपकी क्या आयु होगी वो, फादर नेम
फीमेल है उसके बारे में जानकारी है, रिलीजन क्या है, कैटेगरी वाइज आपको बताना है, शादीशुदा है या नहीं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड है यह बताना है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको जानकारी, एजुकेशन के बारे में बताना, हाई स्कूल, ट्वेल्थ, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, यहाँ पे आपको बताना है, नेम ऑफ एग्जाम, परीक्षा का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे आपको बताना है, ईयर पासिंग, डिवीजन, परसेंटेज कितने थे, सब्जेक्ट क्या थे, वो यहाँ पे बताना है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बताना, डेजिग्नेशन स्किल पे यहाँ पे बताना है, नेम ऑफ एम्प्लॉई, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट टेम्प्रेरी, कब से लेके कब तक, कितने साल का अनुभव था, नेचर ऑफ वर्क क्या था, क्या काम करते, यहाँ पे आपने देखिए व्यक्तियों का नाम बताना है जिनके कार्य आपके यानी कलीग का नाम जो आपके एक साथ काम करते हैं उनका, यहाँ पे उनका विवरण देना है, देखिए वर्तमान नियुक्त में यदि है कोई यहाँ पे उनका फोन पता एड्रेस और यहाँ पे जानकारी देनी है, ठीक है, फुल एड्रेस यहाँ पे आपको अपना देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इस तरीके से यहाँ पे देंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है इसको आपको भरकर भेजना होगा। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी, आपकी जो कि गुरुकुल कांगड़ी की वैकेंसी निकली थी उसके बारे में, जिसमें आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं किस तरीके से आवेदन करना है तो उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस दे सकते हैं प्रूफ यहाँ पे आ रहा है नॉन टीचिंग के बारे में, और उसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं सिलेबस यहाँ पे आपको दे रखा है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड, तो जिसके लिए आप यहाँ पे आप दे सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जरूर बताएं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल से मिलना है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।